फैक्ट नंबर एक, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सेफ्टी पर्पस के लिए जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला ब्रांड टाटा आता है, क्योंकि टाटा पूरे इंडिया में सेफ्टी के मामले में नंबर वन है और उसमें भी टाटा की नेक्सन को सेफ्टी में 5 स्टार मिल चुके हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाटा नेक्सन इन सब के बावजूद भी दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार वोल्वो XC90 है। जी हां गाइस, वोल्वो कंपनी की ये कार साल 2002 में लॉन्च हुई थी और ये वोल्वो वही कंपनी है जिसने सबसे पहले सीट बेल्ट का मेंशन किया था। यानी कि कुल मिलाकर वोल्वो ने शुरू से ही सेफ्टी पर ध्यान दिया है और शायद इसीलिए वोल्वो की ये पॉलिसी है कि अगर इसकी कोई भी कार सेफ्टी क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाती है तो ये उस मॉडल की सारी कारों को फिर से मॉडिफाई करते हैं। मतलब साफ है कि जैसे इंडिया में टाटा की कार सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उसी तरह वोल्वो की कार भी पूरी दुनिया में सेफ्टी के लिए मशहूर है। वैसे फैक्ट नंबर दो, भले ही महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट के मैदान पर नजर ना आते हों, लेकिन उनके फैंस और तमाम खिलाड़ियों के बीच उनकी दीवानगी आज भी वैसी ही है। और ऐसे ही कुछ देखने को मिला विमेन प्रीमियर लीग में, जहां एक मैच के दौरान यूपी वॉरियर्स टीम की महिला खिलाड़ी किरण नवगरे जब बल्लेबाजी करने को आ रही थी तब सभी दर्शकों की नजरें उनके बैट पर थी, क्योंकि उनके बैट पर लिखा था MSD 07, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम और उनकी जर्सी का नंबर है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि किरण नवगरे को कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा था और उनके बैट पर भी कोई स्टिकर नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्कर से ही अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी का नाम बैट पर लिख डाला, जिसे देख मैदान में मौजूद हर दर्शक ताली बजाने लगा। गाइस, महेंद्र सिंह धोनी की यही दीवानगी बताती है कि वो क्रिकेट का सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक इमोशन है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है।